हल्द्वानी में सामाजिक संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन द्वारा लोगों में मोटे अनाज को लेकर जन जागरूकता फैलाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मोटे अनाजों के उत्पाद और स्टॉल लगाए गए। यही नहीं, कार्यक्रम में आए सैकड़ों लोगों ने पहाड़ के उत्पादों का स्वाद भी लिया। आयोजकों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में मोटे अनाज की भरमार है। केंद्र सरकार भी मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा दे रही है, जो विश्वास के प्रति बेहद लाभकारी भी है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद झुंगवे की खीर, मक्का, शहद, अन्य पर्वतीय उत्पादन का लोगों ने लुत्फ उठाया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता के साथ ही लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अनाज का प्रचार प्रसार किया जो कि सेहत के लिए बहुत स्वास्थ्य वर्धक भी है, और कहीं ना कहीं आज के युवा जो जंक फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, चाइनीज फूड की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो कम से कम स्वदेशी हमारे जो अनाज है उसको अग्रसर होंगे। और पहाड़ों में हम अगर मोटा अनाज पैदावार करते हैं तो इससे रोजगार भी मिलेगा हमारे क्षेत्र के लोगों को, और स्वस्थ भी रहेंगे, जो आज के समय की बहुत नितांत आवश्यकता है। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ। बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए कि इसमें एक छोटा बच्चा भी आ रहा है। आजकल बच्चे नहीं तो चाउमीन मोमो के लिए कहते हैं, पिज्जा बाइट मंगाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। तो हमारी पुरानी संस्कृति थी ये। एक हम भुवन जोशी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने मिलेट्स के थ्रू, और इस सीजन की में अभी मक्का हो रहा था तो उस मक्के का प्रोग्राम करा, तो जिसमें कि जिसको नहीं स्वाद चखा है, कई ऐसे होते हैं कि बच्चे कहते हैं कि उन्होंने चाउमीन मोमो ही देखा है, तो आज उन बच्चों को जागरूक किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, आज डायबिटीज इतना नहीं है जितना हमारे खाने की दिनचर्या से हुआ है। हमारी ये दिनचर्या सुधारने का प्रोग्राम है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, और ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रोजगार का अवसर भी पैदा करेगा। भुट्टा है, मडुआ है, झिंगोरा है, और भी कई प्रकार के मोटे अनाज जो हमारे वहाँ पैदा होते हैं, तो वो एक रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम है। जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उसको बढ़ाने का काम कर रही है, और मोटे अनाज के लिए विशेष तौर पर के ऐसे कार्यक्रम अगर लगातार उत्तराखंड के अंदर हों तो उत्तराखंड का ये मोटे अनाज का जो उत्तराखंड नाम से जाना जाता है वो जगह जगह ये प्रचारित और प्रसारित होगा, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अति उत्तम होगा। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस समय हमारे जो बजट में भी इस मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया गया है। और जैसे पुराने लोग आप देखते हैं कि कितने हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते थे, इसका कारण एक यही है कि वो लोग मोटे अनाज का सेवन करते थे। पर आज के टाइम में कहीं ना कहीं ये अनाज लुप्त हो रहा है। हम देखते हैं हमारे बच्चे मोमो और चाउमीन खाने के लिए बहुत जिद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बड़ी बीमारी का कारण बनता है। छोटे छोटे बच्चों को बीमारी है, डायबिटीज, शुगर, ऐसी चीजें। इसका मेन कारण यही है कि हमने जो मोटे अनाज का सेवन है उसे छोड़ दिया है। पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने, सभी ने इस चीज की पहल की है कि हम मोटे अनाज को आगे लेके आए, इसको बढ़ावा दें। तो हमारी एक छोटी सी पहल है, एक जागरूकता है कि लोग इस अनाज को जानें, समझें, और बच्चे भी इस चीज को समझें कि भुट्टे का आनंद कैसे लिया जाता है, कैसे वो पौष्टिक है। तो एक छोटा सा हमारा प्रयास है। और हमें ये था कि मोटा अनाज, जैसे कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट में भी इसको मिलेट के रूप में लेकर और मोटे अनाज को श्री अन्न कहकर इसमें बजट भी बढ़ाया, और लोगों से पूरे देश से आह्वान करा कि मोटे अनाज की जागरूकता के लिए जन जन पे अभियान चलाए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने मोटा अनाज की जन जागरूकता के लिए काफी हमारे प्रदेश में अभियान चलाए हैं। इसी को लेकर हमारी संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन, जो हमारी संस्था है विगत काफी वर्षों से सामाजिक सरोकार में काम करती है, तो एक हमारी संस्था के सदस्यों ने एक प्रोग्राम लिया कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए क्यों ना मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए सबको मिलाकर एक कार्यक्रम किया जाए। कार्यक्रम में सब लोग आए, आपस में बातचीत करें, मोटा अनाज की चिंता करें, मोटा अनाज घर घर तक कैसे पहुंचे, घर के किचन में मोटा अनाज की कैसे ज्यादा उपलब्धि हो पाए, बच्चों को लाभ मिल पाए, नई जनरेशन को लाभ मिल पाए, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है।